कोरबा जिले के पालीनगर पंचायत क्षेत्र में मुख्य सड़क मार्ग बुरी तरह से खराब होने से वहां के व्यापारियों में नाराजगी है और उनके द्वारा इसके लिए ठोस निर्णय लेते हुए लोकसभा चुनाव के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है उनका कहना है रोड नहीं तो वोट नहीं देखे यहाँ खास रिपोर्ट लोकसभा चुनाव की तिथि नजदीक आते ही कोरबा जिले के पाली के व्यापारियों ने सबसे बड़ा फैसला लिया है आपको बता दें कि पाली क्षेत्र की सड़कें काफी लंबे अरसे से खराब चल रही है जहां बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं बारिश में यह रास्ता नदी में तब्दील हो जाती है तथा गर्मियों में बड़े वाहनों के चलने से पूरे क्षेत्र में धूल उड़ती रहती है जिसके कारण यहां के व्यापारी एवं दुकानदारों में काफी नाराजगी है व्यापारियों ने इसकी शिकायत कई बार तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी से किया है इसके बावजूद भी इस सड़क पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि का ध्यान ना देना सबसे बड़ा विषय है व्यापारियों का कहना है कि इस मार्ग की अत्यंत जर्जर स्थिति के कारण उनके स्वास्थ्य एवं व्यवसाय पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और सड़क किनारे रहने वालों के सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है साथ ही व्यापारियों के दुकानों के सामने को भी क्षति पहुंच रही है इस असहनीय हो चुकी समस्या के मद्देनजर व्यापारियों का लोकतंत्र से विश्वास उठ गया है और उनके द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि वे आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं अपनी इस मंशा को लिखित में जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया है इस पे ट्रैफिक का बहुत ज्यादा दबाव रहता है और पिछले बरसात के बाद छह महीने से लगातार सड़कों का यही हाल है रोड डस्ट उड़ रहे हैं रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं रोज यहाँ कोई ना कोई खत्म हो रहा है फिर भी प्रशासन कोई सूद नहीं ले रहा है खाना पूर्ति के लिए यहाँ ठेकेदार के द्वारा मरम्मत किया गया था रोड का फिर वही हाल हो गया है वही कंडीशन हो गई है रोड की लोग बीमार पड़ रहे हैं से हो रहे हैं रोज मगर प्रशासन कोई चिंता नजदीक बिल्कुल हाँ, बिल्कुल व्यापारियों, व्यापारियों आ चुकी है लेकिन क्या इसमें किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी ध्यान देते हैं या नहीं यह समय ही बताएगा पाली से हिमांसुक्सेना के साथ शशिकांत डिकसेना की रिपोर्ट आरजे जे रमझाझर